अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम आपको खुश आमदीद करते हैं हमारे WF न्यूज़ चैनल पर। सबसे पहले WF हेडलाइंस, और आपको अहम खबर से आगाह करता चलूं, सिंध में कोरोना केसेस में इजाफा। और आपको बताता चलूं, कोरोना केसेस में इजाफा, अलर्ट जारी। और आपको बताता चलूं, स्कूल्स खोलने से मुतल्लिक अहम खबर, महकमा सेहत सिंध ने कोरोना केसेस में इजाफे की पेश नज़र स्कूल्स ना खोलने की तजवीज़ दे दी, जिसके बाद महकमा तालीम ने प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस के दोबारा क्लास का फैसला लेने वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सिंध में 23 अगस्त से आम क्लासेस का तदरसी अमल बहाल न होने का इम्कान। और आपको बताता चलूँ, महकमा सेहत सिंध ने कोरोना केसेस में इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया, जिसमें कहा है कि हालिया दिनों में SOPs अमल न होने से कोरोना फैलाव का खदशा है। महकमा सेहत सिंध की जानिब से स्कूल्स न खोलने की तजवीज़ दी गई है, जिसके बाद महकमा तालीम ने प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस के दोबारा क्लास का फैसला वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया। हवाले से महकमा सिंध ने वर्किंग कमेटी का इजलास 22 अगस्त को तलब कर लिया, और स्कूल्स तब तक बंद रहेंगे जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगी। शुक्रिया।